हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उबालाजी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले इवेंट के बारे में। तो मार्केट के जो इवेंट है वो हमें पता नहीं रहते, तो वो इवेंट कैसे देखिए, कहां से देखिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो इवेंट देखने का रीजन सिंपल सा है कि इवेंट देखने से क्या होता है कि बड़ा मोमेंटम अगर कल आएगा वो हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि कल अगर छुट्टी है तो अगर आज ओवरनाइट पोजिशन कैरे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं अगर आप, तो हमें पता नहीं रहता है कि इवेंट कल क्या है, तो बड़ा इंपैक्ट रह सकता है क्या नहीं रह सकता, या बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है और आपका लॉस हो जाता है। तो ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ था, जैसे HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया था वो खराब आया था और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था। तो उस टाइम मेरा BTST था निफ्टी 50 का कॉल का, तो उसमें लगभग मेरा 9000 का लॉस हुआ था। रीजन था कि इवेंट पता नहीं था मुझे, HDFC बैंक का रिजल्ट है बोल के, और वो मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके गया और HDFC बैंक का रिजल्ट खराब आया और मार्केट 1500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मेरा 9000 का लॉस हुआ था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ऐसी गलती तो बहुत सारे लोग करते होंगे, तो इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको इवेंट नहीं पता होता है मार्केट में सबसे कल कौन सा इवेंट है, तो पता नहीं होता है और वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं, और अगर उस इवेंट का इंपैक्ट मार्केट पे होता है और बड़ा गैप ऊपर गैप डाउन होने से उनका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी BTST या अपना ओवरनाइट पोजीशन लेने से पहले अगर उसको इवेंट पता रहेंगे तो उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो इवेंट का। जैसे अगर कल का इवेंट अच्छा खासा बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है मार्केट में और बड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो आप कौन सी भी एक डायरेक्शन, जैसे इवेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो मार्केट के लिए अच्छा सेंटिमेंट रहता है, और इवेंट का जो पॉजिटिव या नेगेटिव खबर है उसका हम अच्छे से यूज करें, इसीलिए ये इवेंट देखना काफी जरूरी है। तो इवेंट देखने के लिए दो वेबसाइट है, तो मैं बारी बारी से एक एक वेबसाइट दिखा देता हूँ और उसका कैसे यूज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ मनी कंट्रोल लॉग इन कर लेता हूँ। तो मनी कंट्रोल पे लॉग इन होने के बाद कुछ आएगा इंटरफेस, तो ज्यादा ऐड आते हैं, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा फास्ट। तो यहाँ मार्केट में जाने के बाद यहाँ ये अपना इकोनॉमिक कैलेंडर रहेगा, इकोनॉमिक कैलेंडर में जाना है। इकोनॉमिक कैलेंडर को क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के इवेंट दिखाई देंगे। तो आज कोई इवेंट नहीं है और यहाँ हाई इंपैक्ट यानी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसका पड़ता है उसे ही क्लिक करके रखना आप, क्योंकि ये 2 स्टार और 1 स्टार वाले इवेंट के क्लिक मत करना, क्योंकि उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो हाई इंपैक्ट जिस पे पड़ता है उसको क्लिक करके रखना है। यहाँ फिल्टर वगैरह कंट्री वगैरह सब कुछ है, इसमें आपकी कंट्री या US मार्केट और इंडियन मार्केट की कंट्री चूज करके रख लेना, क्योंकि US मार्केट का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे ज्यादा पड़ता है। तो ये इवेंट ऐसा देख सकते हो, और अपना जो कंपनी के रिजल्ट है वो यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट टैब में, जिसमें भी आज कंपनियों के रिजल्ट नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में काफी ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट है। तो मैं रोज के एनालिसिस वीडियो में भी बताता हूँ, कैसे दिखाता हूँ, तो इसे आप खुद भी देख सकते हो। अगर मैं बाय चांस कभी कभार वीडियो नहीं डाल पाया तो आप खुद का खुद देख लेना। यहाँ आना, अपने मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आना, इकोनॉमिक कैलेंडर पे आके ग्लोबल इवेंट देख लेना। ग्लोबल इवेंट देखने के बाद हमारी इंडिया की जो कंपनी है उनके रिजल्ट देख लेना, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में क्या कल मोमेंटम हो सकता है, क्या कुछ न्यूज बेस्ड रह सकता है, तो आप ट्रैक कर सकते हो उसको। तो सेकेंड वेबसाइट देख लेते हैं। सेकेंड वेबसाइट है investing.com, तो ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग। तो इसमें आपने मार्केट पे क्लिक करना है, यहाँ हॉलीडे पे जाना है। तो इसका ड्रॉबैक ये कि अगर मार्केट को क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये निकल जाएगा, तो इसे क्लिक करके ऐसा अंदर आना पड़ता है, या हॉलीडे को या इकोनॉमी को किसी भी एप को क्लिक कर लेना, नहीं तो हॉलीडे को क्लिक करके भी आ सकते हो। तो यहाँ हॉलीडे कैलेंडर, इकोनॉमी कैलेंडर और हमारी कंपनी के जो रिजल्ट है उनका भी कैलेंडर रहता है। इकोनॉमी यानी ग्लोबल इवेंट कुछ है क्या है देखना है तो इकोनॉमी में जाना है, हॉलीडे में गए तो कल हमारे मार्केट को छुट्टी है क्या नहीं ये भी देख सकते हो यहाँ, या इकोनॉमिक कैलेंडर के बाद अपना हॉलीडे, हॉलीडे के बाद रिजल्ट डे है वो रिजल्ट भी देख सकते हो कंपनियों के जो रिजल्ट चल रहे, उसमें भी यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद यहाँ फिल्टर अप्लाई करके राइट क्लिक कर देने के बाद अपना अपना जो आप सेटिंग बना चुके हो वो सेटिंग हो जाएगी, और इसमें आपको जो आपको चाहिए वही मिलेगा, इवेंट वगैरह और जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड का भी डेट अनाउंस किया है,
कौन से कंपनी का डिविडेंड आने वाला है वो भी दिखाया गया है, या आईपीओ कौन सा आने वाला है नया वो भी दिखाया गया है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऐप है, यानी मनी कंट्रोलर और investing.com, तो दोनों में से आपको जो सही लगता है वो यूज कर सकते हो आप। ये काफी ज्यादा यूजफुल वेबसाइट है, तो इवेंट देख लेना आप रोज के रोज सुबह उठने के बाद इवेंट देख लेना, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी यूएस मार्केट का जो इवेंट रहता है वो ये रहती है, तो वो इवेंट आप देखना खुद का खुद, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।